नमस्कार, सवाल इंडिया का में स्वागत है आपका। मैं हूं ताप विश्वसैन और यहां पर सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 3 दिन का महाअधिवेशन जो है वो शुरू हुआ है। और इस 3 दिन के महाअधिवेशन में कांग्रेस के देश भर से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं। और 2024 न सिर्फ 2024 बल्कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उसमें भी किस तरह पार्टी की जो रणनीति होगी कांग्रेस की, उसको लेकर यहां पर चर्चा की जानी है। और सवाल ये भी है कि क्या रायपुर अधिवेशन से कांग्रेस को 2024 की राह मिल पाएगी। अधिवेशन के दौरान देश के अलग अलग मुद्दों पर बात होगी, जिससे कांग्रेस की दशा और दिशा भी तय होगी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में आज से फैसला भी जो है वो एक लिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। और इस बीच राहुल गांधी रायपुर पहुंच गए हैं, वो परसों अधिवेशन को संबोधित करेंगे। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा और उसके बाद सोनिया गांधी यहां पर संबोधित करेंगी। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती रायपुर में मौजूद हैं और वहां कवर कर रहे हैं कांग्रेस के इस महाधिवेशन को। बाबा, ये जो बड़ा फैसला वहां पर लिया गया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, इसमें जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट किया जाएगा, इस फैसले को लेकर क्या एक राय वहां पर थी सब में, या फिर कुछ लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखने वाले भी हैं? देखिए, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव नहीं होगा इसके लेकर के जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी उसमें ये बात जरूर है कि कुछ सदस्यों ने कहा कि नहीं चुनाव होने चाहिए। अब उसके बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया, जो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने हमें बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को ये अधिकार सौंपा गया कि वो नॉमिनेट करे मेंबर्स की। इसके क्या असर हैं, क्यों लिया गया, इन सब चीज़ों पर कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम हमारे साथ हैं। निरुपम जी, अच्छा नहीं होता यदि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो जाता, क्यों टाला गया चुनाव, क्यों अध्यक्ष को सौंपी गई कि वो नॉमिनेट करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पूरी दुनिया के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ करके दिया। अब CWC का चुनाव इसलिए होना चाहिए कि फिर से हमको साबित करना है कि अंदरूनी लोकतंत्र है, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि CWC का चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यह फैसला कांग्रेस की जो सर्वोच्च समिति है, स्टीयरिंग कमेटी, उसको करना था। आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक थी 10 बजे, और 10 बजे की बैठक में लगभग सभी लोगों ने, मतलब अल्पमत में थोड़े से लोग थे जो एक चुनाव की बात करते, अदरवाइज सारे लोगों ने यही कहा कि चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं। तो मुझे लगता है कि इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए, और कांग्रेस अध्यक्ष को हमेशा से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर को नॉमिनेट करने का एक अधिकार दिया जाता रहा है, इस नाते आज उसी तरह का रेजोल्यूशन पास हुआ है। उससे क्या हो जाएगा, कांग्रेस अध्यक्ष नॉमिनेट करेंगे उससे, वो उससे कैसे अलग होगा जो चुन के आते हैं? नहीं, बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो कमजोर तबके के लोग खास करके हैं, OBC समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग, ST समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर चुनाव होता तो जो ताकतवर लोग हैं, जिसमें कई बार वो बेचारे SC ST और OBC समाज के लोग पीछे छूट जाते हैं, वो चुनाव लड़ने की ताकत नहीं रख पाते। महिलाएं भी, महिलाएं सब, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, महिलाएं। तो इसमें एक CWC एक बहुत ही एक सभी सर्वसमावेशी संगठन बने, क्योंकि वो सर्वोच्च संस्था होने जा रही है, और उसको कांग्रेस के हित में, देश के हित में एक पूरी नया दिशा निर्देशन देते हुए बहुत सारे फैसले करने हैं। तो ऐसे में एक अच्छी कमेटी बने, एक अच्छी CWC बने, जिसमें हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, उसके लिए जरूरी है कि चुनाव की जगह मनोनयन का ही इंतजाम। एक सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य इस स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में क्यों नहीं था? बहुत लोग हम पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि ये पार्टी एक परिवार की पार्टी है, ये पूरा परिवार एक पार्टी चला रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक तो इसका इंटरनल डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर, दूसरा कांग्रेस के अंदर का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। और सिर्फ एक परिवार का, महापरिवार के सदस्य कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, लेकिन उसके अतिरिक्त लाखों करोड़ों कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को पिछले 138 साल से आगे बढ़ा रहे हैं। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती रही है, कुछ एक वर्षों से हम लोग तकलीफ में हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि जब एक गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, तो
गांधी परिवार ने सोचा कि क्यों नहीं ये सभी लोग मिलकर के कांग्रेस का आगे का क्या फैसला होगा, क्या दिशा होगी, क्या नीति निर्देशन होना चाहिए, ये फैसला करें। इसलिए अच्छा हुआ ये लोग नहीं आए, आते तो और भी अच्छा होता, उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में परिवार का पूरा आशीर्वाद, परिवार का पूरा मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को मिलता रहना चाहिए। आज जो भाषण हुआ कांग्रेस अध्यक्ष का, उन्होंने दो तीन बातें कही है, लोकतंत्र और संविधान पे खतरा, संसदीय संस्थाएं गंभीर संकट से जूझ रही हैं, और एक और बात कही कि पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक गतिविधियां कर रही हैं उस पे पहरेदारी हो रही है। देखिए तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक संसदीय संस्थाओं की बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्था हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, संसद। लोकसभा में अभी राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया एक अप्रतिम भाषण था, उस भाषण में जो बुनियादी सवाल खड़े किए, जो वो उनके सवाल नहीं थे, इस देश के सर्वसामान्य लोगों के सवाल थे कि भाई एक उद्योगपति, और ये जो कहा गया कि राजनीतिक गतिविधियों पर पहरेदारी हो रही है, हाँ राजनीतिक गतिविधियों पर पहरेदारी कल ही देखा गया कि एक हमारे प्रवक्ता साहब पवन खेड़ा जी, उन्होंने कुछ बातें कह दी थी, कुछ शब्द का इस्तेमाल था जो कि बीजेपी को अच्छा नहीं लगा, स्वाभाविक अच्छा नहीं लगना चाहिए उनको, तो उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया ऐसा लगा कि हमारे अधिवेशन को प्रभावित करने के लिए किया गया। हम कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है, छत्तीसगढ़ में एफआईआर नहीं, कोई नोटिस नहीं, और सीधे जाके डिप्लेन किया जा रहा है। तो ये जानबूझकर कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां या बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो या गतिविधियां न हो, इस प्रकार का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़े अधिवेशन, बिल्कुल बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, पवन जी की गिरफ्तारी से दो तीन दिन पहले देखा होगा आपने कि धुआंधार तरीके से मुख्यमंत्री जी के आसपास के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, हमारे कोषाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे या सरकार से जुड़े कुछ लोग हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब महाधिवेशन पर इसकी काली साया पड़े, महाधिवेशन दुष्प्रभावित हो, इससे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सत्ता पक्ष को कभी भी विपक्ष के कामकाज में दखलंदाजी नहीं देना। एक सवाल जो होगा इस अधिवेशन से उभर का, अलायंस का क्या करेंगे? आप महाराष्ट्र में अलायंस है, अब आप अघाड़ी के सदस्य हैं, क्या मैं मानूंगी कांग्रेस अब अघाड़ी का ही हिस्सा बनकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, और बाकी राज्यों में क्या करेंगे, खासकर कलकत्ता में और बाकी राज्यों में? सबसे पहले महाराष्ट्र की बात मैं कह दूं कि महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर जो नेता और कार्यकर्ता है वो मानसिक तौर पर तैयार है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ एक महागाड़ी गठबंधन का हिस्सा बनकर काम किया जाए। अब फैसला करना है शीर्ष नेतृत्व को, जो फैसला करेंगे उसको हम लोग मान लेंगे। दूसरी बात, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो जिन जिन पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी से ऐतराज है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर ऐतराज है, उन तमाम पार्टियों को एक विपक्षी गठबंधन में शामिल होना चाहिए, और ऐसा कोई विपक्षी गठबंधन इस देश में संभव नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व न करे। पश्चिम बंगाल में क्या करेंगे? लेफ्ट के साथ जाएंगे तो ममता नाराज, तेलंगाना में क्या करेंगे? टीआरएस के अलग सुर, दिल्ली में क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी आपके साथ बैठने के लिए तैयार है? अगर तेलंगाना वाले साथी बीजेपी के सचमुच खिलाफ हैं तो उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। ममता दीदी अगर निश्चित तौर पर वो बीजेपी के खिलाफ हैं ऐसा दिखता है तो उनको कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा। लेफ्ट भी आ सकती है, तो राज्यों में एक गठबंधन का अलग चेहरा हो सकता है, अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पर अभी से पहले भी लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर सीताराम येचुरी या प्रकाश जी जो थे, वो सारे करा साहब, वो सभी लोग हमारे, सुरजीत साहब, वो सभी लोग हमारे एक गठबंधन का हिस्सा हमेशा रहते थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में सभी भाजप विरोधी या गैर भाजपा जो पार्टियां हैं उनको आना चाहिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं तो। और जो नहीं आ रहे हैं इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ ना कुछ उनकी एक मैच फिक्सिंग चल रही है, यह संकेत मिलेगा। एक अंतिम का सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अब हाल में कि 2024 में कांग्रेस जो है नेतृत्व करेगी गठबंधन का, आपको लगता है इस लाइन पे इस अधिवेशन में कुछ स्थिति साफ होगी? देखिए बड़ा स्वाभाविक है, ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सभी एक एक स्टेट की पार्टी, उन सभी का अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी भी अपने स्टेट से लेंगे तो कांग्रेस पार्टी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा आंकड़ा लोकसभा में पूरे हाल में भी हमारे पास ही था, आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति में हम वाकई बहुत बड़ी पार्टी के रूप में रहेंगे, तो सबसे बड़ी पार्टी होने का नाथ हम नेतृत्व करेंगे। तो आपने सुना संजय निरुपम जी को साफ साफ कहा उन्होंने कि गठबंधन का नेतृत्व या कोई भी विपक्ष का मोर्चा जो है वो कांग्रेस के बिना नहीं बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस क्या इतना सशक्त हो पाएगी कि वो एक मोर्चा बना पाएगी बीजेपी के खिलाफ। बाबा एक सवाल इनसे छोटा सा और पूछिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां साथ में आए तो जो बड़ा सवाल उठता रहता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो क्या वो भी कांग्रेस चाहती है कि इनके साथ आए तो इन्हीं से चेहरा हो या किसी और पार्टी पे भी राजी हो सकते हैं? तभी आपसे जानना चाह रहे हैं स्टूडियो से कि चलिए आप गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, आप कहते हैं अभी आपके बिना गठबंधन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा?
प्रधानमंत्री का चेहरे के बारे में अभी तय किया जाएगा। निश्चित तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूँ राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। या कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होने चाहिए? कांग्रेस अध्यक्ष भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष भी शायद यही चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। लेकिन अब प्रधानमंत्री का चेहरा सचमुच विपक्ष के तौर पर कौन होगा, ये विपक्ष का पूरा गठबंधन और गठबंधन के सभी जो नेतागण हैं वो मिलकर के तय करें, उसको रेटिफाई करें, उसको एक सुनिश्चित करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर हमारी राय ज्यादा मायने नहीं रखती। सुन लिया था अभी साहब ने जी, शुक्रिया बाबा। तो वहाँ से अपडेट देने के लिए और बात करने के लिए संजय अनुपम जी से, इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर साफ की कि किस तरह से आगे की जो है तैयारियाँ कांग्रेस की रहेंगी और ये 3 दिन तक चलेगा अधिवेशन जो है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर तय होनी है। शुक्रिया आपका बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब में वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी लवप्रीत तूफान को थोड़ी देर पहले रिहा कर दिया गया है। अजनाला कोर्ट के आदेश पर जेल से उसकी रिहाई हुई है और लवप्रीत तूफान अमृतसर की जेल में बंद था और उसकी रिहाई के लिए कल अमृतपाल सिंह के सैकड़ों समर्थकों ने बंदूकों और तलवारों के साथ बवाल कर दिया था, साथ ही थाने पर भी हमला कर दिया था। एनडीटीवी से बातचीत में पंजाब के एसपी और अजनाला के कानून व्यवस्था प्रभारी हरपाल सिंह रंधावा ने कहा कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कल पुलिस ने कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आया था और अगर कोई एक्शन लिया जाता तो पूरे राज्य में हालात बिगड़ सकते थे। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की भी नजर है, उस पर खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का भी आरोप है। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਏਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। तो आपने सुना जो प्रतिक्रिया यहाँ पर आई लवप्रीत सिंह की तरफ से, सबको धन्यवाद ये कह रहे हैं, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जो है ये लोग इकट्ठा हो गए थे। और यहाँ पर वारिस पंजाब दे जो है इसके प्रमुख अमृतपाल सिंह पर आपको बताएं खुफिया एजेंसियों की भी नज़र है, उस पर खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का भी आरोप है। ऐसे में कल जो कुछ हुआ उसके बाद कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हमारे साथ सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, कल की तस्वीरों के बाद तो ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वहां पर कार्रवाई हो उन लोगों पर जो इकट्ठा हुए थे पुलिस स्टेशन के बाहर, अब यहां पर इनको छोड़ा गया है तो एक गलत संदेश नहीं एक तरह से? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा गलत संदेश है क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस के ऊपर कल हमला होता है, थाने पर कैप्चर कर लेता है वो, हम वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद पंजाब पुलिस दबाव में आ जाती है, दबाव आने के बाद में वो कोर्ट में ये कहती है कि तूफान सिंह के खिलाफ उनके पास एविडेंस है, इसको छोड़ा जाए और फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको रिलीज किया जाता है। तो पंजाब पुलिस ने सबसे पहले बताया आपको, एक मामला था देवेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने अमृतपाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी कि अमृतपाल के सहयोगियों ने और अमृतपाल ने उसके साथ मारपीट की, उसका अपहरण करके, क्योंकि वो उसने वारिस पंजाब दे के खिलाफ बोला था। उसके बाद 15 तारीख को ये FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद लवप्रीत को गिरफ्तार किया गया। पहले अमृतपाल ने आह्वान किया पंजाब पुलिस को, चेतावनी दी कि उसको जल्द रिलीज कर दिया जाए तूफान को, और जब पंजाब पुलिस ने नहीं माना तो उसने अपने सारे सहयोगियों को कॉल दिया और कल लगभग 11:30 बजे के करीब अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ वो अजनाला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने वहां पर पुलिस वालों के से मारपीट की, उनको घायल किया और उसके बाद उनके जो सहयोगी अमृतपाल के हैं उन्होंने थाने को भी कैप्चर कर दिया, पुलिस का दबाव में आने के बाद छोड़ना पड़ा है और एक SIT गठित कर दी जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है कि अमृतपाल और इनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो सही है या नहीं। शुक्रिया सौरभ इस सब जानकारी के लिए। तो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद यहाँ पर ये तस्वीरें भी आप देखिए और इस पूरे मामले को लेकर हमारे स्वीगी सौरभ ने बात की वहाँ पंजाब पुलिस के SP हरपाल रंधावा से भी, उनका क्या कहना है वो भी आप देखिए।
हरपाल साहब, आज के पुलिस स्टेशन पर 400 से 500 से ज्यादा पुलिस फोर्स मौजूद होती है, आप खुद स्पॉट पर होते हैं, तो कैसे इतने लोगों को आपने कानून हाथ में लेने दिया? ऐसा था जी, मैं आपको बताता हूं कि हम ड्यूटी पे तैनात थे। मेरी जो ड्यूटी थी वो अजनाला की जो तरफ से, कस्बे की तरफ से, वहां जैसे कुछ आदमी जो इसके जथे में शामिल होने वाले थे वो रुके थे, उनको हमारे एसएसपी साहब, जो एसएसपी अमृतसर देहाती हैं, वो आए, उन्होंने बोला कि नहीं, इनको उनको जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जाने दो। तो वो उनको साथ लेकर इनके जथे में उनको भेजा, उनको शामिल करवाया। ऐसा था कि मैसेज ये था कि अमृतपाल जी इन्वेस्टिगेशन के लिए शामिल होने के लिए खुद पुलिस स्टेशन अजनाला में आ रहे हैं। तो जैसे पता चला कि जे वो उसके साथ कुछ साथी हैं, तो जैसे जे आए, जब नजदीक आए तो वहां इनकी गाड़ी के आगे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, जैसे पता चला कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गाड़ी है, एसएसपी साहब हमारे ने सिर पे, जो जितने जवान उन्होंने अपने सिर पर रुमाल बांध लिए, तो हमने उनको बोला कि जे गाड़ी ऐसे आए कि आप अमृतपाल जी को भेज। इन लोगों ने जबरदस्ती, क्योंकि गुरु साहब जी का हम बहुत सत्कार करते हैं, वो मेरे परदादा जी के दादा जो उधम सिंह थे उनके भाई, जब उन्होंने ननकाना में शहीदी, उसके बाद एससीपीसी होंद में आई, हम बहुत, हमारी पुलिस ने इतना सत्कार किया गुरु साहब जी का, मुलाजमों ने, हमारे पास बहुत था, हमारे पास वाजरा गाड़ी थी, वाटर कैनन थी, और थे, लेकिन हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, गुरु साहब का सत्कार किया। लेकिन इन लोगों ने जो हमें आस नहीं थी, उसके बाद इन लोगों ने जो मुलाजिम, उनको कुर्बानों से जो उन पे वार किया, उनको जख्मी कर दिया। हमारा तो ये, मैं उस समय, मेरे पास को प्रेस वाला आया, मैंने उस समय, वैसे तो सीनियर ऑफिसर देते हैं, लेकिन उस समय इतना ही मैंने बोला कि मान लो मेरे केस रजिस्टर होता है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जाता हूँ, जिसका तो यह है कि कोई इन्वेस्टिगेशन करवाएं, कोई मेरे गलत केस है तो मैं इसकी पड़ताल करवाऊं। जे एक अफसर नहीं मानता तो डीजीपी साहब बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नर साहब हैं, उनको एप्लीकेशन दो, सीट बनवा लो, जिस इस डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए। लेकिन ऐसा है कि पुलिस स्टेशन में श्री गुरु ग्रंथ साहब की गाड़ी जबरदस्ती घुसा दी, जिसका मुझे दुख लगा। और मैंने वो जो मेरी सिख भावनी थी, जो मेरे सिख होते हुए जो मैंने महसूस किया, उसका मैंने वो बोल दिया वहां, उसने किसी ने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली, तो बाद में उसको आई। लेकिन हमें, मैं सलूट करता हूँ पंजाब पुलिस के जवानों को, जिन लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इतना सत्कार किया। मैं एक हिंदू जेंटलमैन था जिसकी गल पे कृपान लगी, हमारा जवान था, मैंने उसको पकड़ा, उसका मैं गल साफ किया, और मेरे आंसू बह गए कि देखो एक हिंदू होते हुए उन्हें हमारे गुरु साहब का कितना सत्कार किया। तो क्या आप कल जितने लोगों ने पुलिस पर हमला किया अमृतपाल सिंह पर, आप लोग कोई केस रजिस्टर करके इंक्वायरी करेंगे? क्योंकि इनको भी एक संदेश देना जरूरी है, नहीं तो कल को, आज अमृतपाल है, कल को कोई और होगा, उसके बाद अमृतपाल दूसरी जगह जाके ऐसे करेगा, तब तक धर्म की आड़ में ये लोग बचते रहेंगे। क्या आप लोग एक सख्त एक्शन लेंगे इन लोगों के अगेंस्ट जो जिन्होंने कल ये किया, पंजाब पुलिस के साथ कानून हाथ में लिया? जी, हमारे सीनियर ऑफिसर, जहाँ हमारे एडीजीपी साहब, एसएसपी साहब सीनियर ऑफिसर हैं, वो साहब इसको जैसा आप सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, पूरा पंजाब सोचता है, तो वो ही होगा जो कानून कहता है, जो कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून का राज पंजाब में चलेगा। और हमारी ड्यूटी है, हमारा सीज चला जाए, हम कानून का राज पंजाब में लागू करके रहेंगे। एनसीडी सदन में हंगामे, मारपीट के बाद आखिरकार आज स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए शांति से मतदान हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, बीजेपी के 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। आम आदमी पार्टी को 138 वोट मिले उनके मुताबिक, और आम आदमी पार्टी के पास 133 पार्षद हैं, जबकि 138 वोट उनको मिले हैं, ये सौरभ भारद्वाज का कहना है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और उनका ये कहना है कि क्रॉस वोटिंग हुई है आम आदमी पार्टी के हक में, उनके समर्थन में 5 पार्षदों ने वोट डाला है उनके पार्षदों के अलावा। शरद हमारे साथ हैं, शरद
काफी हंगामे के बाद आज आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से हुआ यहां पर मतदान, नतीजे आ गए हैं पूरे? नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है कि काउंटिंग चल रही है और जो जो लोग खड़े हुए हैं काउंटिंग करवा रहे हैं वो कई बार वी का साइन दिखा देते हैं, तो जिसका बंदा वी का साइन दिखा देता है यानी आप वाला दिखाएगा तो आप वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं, बीजेपी वाले अगर वी साइन दिखा दे तो वो लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, वही हो रहा है। तो ये साइन गिनकर ही सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं क्या कि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है? हाँ नहीं, वो तो खैर अपनी तरफ से ही कह रहे हैं, उनके पास कहीं से हो सकता है जानकारी आई हो कि 138 वोट आम आदमी पार्टी को पड़ गए हैं, लेकिन अगर 138 पड़े भी हैं वैसे तो अभी काउंटिंग चल रही है, मेयर ऐलान कर रही है लगातार यहाँ से कि काउंटिंग चल रही है शांति से बैठ जाइए, तो 138 अगर हो भी गया है तो ये 5 क्रॉस वोट आम बीजेपी से आए हैं ऐसा सीधा नहीं कह सकते जी। क्योंकि एक जो वोट था वो आम आदमी पार्टी को इंडिपेंडेंट से मिलने की बात थी, तो बचे 4, तो संभव है कि 4 वोट अगर 138 हैं तो बीजेपी से क्रॉस करा लिए हो आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दोनों तरफ से फिर से एक बार तस्वीरें देखिए जो एक्साइज यहां पर एक डलनेस आ गई, अब फिर से एक्साइटमेंट आ गई है, दोनों तरफ से अपने दावे जो है वो किए जा रहे हैं, हालांकि इन दावों का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, अनाउंसमेंट जो होगी माना वही जाएगा, फिलहाल मेयर कह रही है कि अभी काउंटिंग चल रही है आप बैठ जाइए, काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी देर में संभव है कि नतीजा आएगा और पता चलेगा कि क्या 4-2 हो रहा है यानी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, क्या 3-3 हो रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेयर आम आदमी पार्टी का है, अगर सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं बनती है स्टैंडिंग कमेटी में तो मामला फिर फंस जाएगा, नगर निगम में उस तरह से काम नहीं हो पाएगा जिस तरह के वादे सत्तारूढ़ पार्टी ने किए हुए हैं। बिल्कुल शरद, क्योंकि यहाँ के जो 6 मेंबर हैं सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद जो जोन है उससे भी चुने जाने हैं 12 मेंबर्स, और जैसे कि आप बता रहे थे कि वहां पर भी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी टाइट है, सुबह एक पार्षद छोड़ के गए तो वहां से आपने समीकरण बताई, अब अगर क्रॉस वोटिंग मान ली जाए तो बड़ी संतुष्टि होगी आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ संतुष्टि तो होगी ताबिश, लेकिन ये इतने सीधे तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि ये जो अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो इससे आम आदमी पार्टी का पार्षद जो है वो जीत ही जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस के कितने वोट मिल रहे हैं दूसरी प्रेफरेंस के कितने वोट मिल रहे हैं, तो ये जब हो जाएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या स्थिति बनी है और कौन सा वो कैंडिडेट है जो चुनाव हारेगा, केवल एक ही कैंडिडेट है जिसको चुनाव हारना तय है, अब वो आम आदमी पार्टी का होगा या बीजेपी का होगा बस यही देखना है, 6-7 उम्मीदवार हैं 6 सीटें हैं तो 6 तो जीत ही जाएंगे, एक वो कौन होगा, कोई पार्टी नहीं चाहती वो हारने वाला कैंडिडेट उसकी पार्टी का हो। अच्छा बहुत संक्षिप्त में शरद, कितना और वक्त लग सकता है काउंटिंग पूरी होने में? देखिए बस बिल्कुल अंतिम चरणों में ऐसा लग रहा है कि शायद 10 मिनट या 15 मिनट और लगने चाहिए और तब जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आखिर स्टैंडिंग कमेटी का नतीजा क्या रहने वाला है। शुक्रिया शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए काउंटिंग वहां पर चल रही है, स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स के लिए आज जो है वोटिंग हुई थी, यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए और अब से कुछ देर में जैसे कि शरद बता रहे थे यहां पर काउंटिंग पूरी होगी तो ये साफ हो जाएगा कि यहां पर जो 7 लोग यहां पर खड़े थे 6 इन मेंबर्स के लिए उसमें से किसको यहां पर जो एक्स्ट्रा वाला जो उम्मीदवार है वो जीतता है, किसका उम्मीदवार यहां पर हारता है, थोड़े वक्त के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार आज किया और शिलांग में रोड शो के बाद अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग जिन्हें देश ने नकार दिया है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल जपते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है कि देश का कोना कोना कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि मेघालय में हर ओर कमल ही कमल दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी।
ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं, मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली। जैसे हम पैसों की जरूरत पड़े और एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, यहां मेघालय में भी ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने काम किया है, उन्होंने पूरे मेघालय को एटीएम बना दिया है, रुपये मार लेते हैं अपने जेब पर देते हैं। आप लोगों को छोटे छोटे मुद्दों पर बांटा गया, मेघालय के हितों को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई। इसी पॉलिटिक्स ने मेघालय का बहुत नुकसान किया है, मेघालय के युवाओं का नुकसान किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की जनता अब भाजपा के साथ है, कमल के साथ है। इससे पहले उन्होंने नागालैंड के दीमापुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है वोट पाओ और भूल जाओ। साथ ही पीएम ने कहा कि कट और कमीशन के दिन खत्म हुए और नागालैंड विकास की राह पर चल पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागालैंड के लिए कांग्रेस उसके पार्टनर्स की पॉलिसी रही है वोट पाओ और भूल जाओ। कांग्रेस के दिल्ली के नेता नागालैंड की तरफ देखते तक नहीं है। कांग्रेस और इसके सहयोगियों की सरकारों ने अपनी पॉलिटिक्स में नागालैंड की स्टेबिलिटी और नागालैंड की प्रॉस्पेरिटी को कभी भी महत्व नहीं दिया। तेलंगाना से खबर आपको अब दिखाते हैं। तेलंगाना में वारंगल के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में पीजी सेकेंड ईयर के एक छात्र पर रैगिंग और एससी एसटी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेज में पीजी फर्स्ट ईयर की एक छात्रा के कथित तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश का मामला सामने आने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पीड़ित छात्रा का हैदराबाद में इलाज जारी है और पीड़ित छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी का ड्यूटी के दौरान उत्पीड़न हुआ है और आरोपी छात्र तेलंगाना के गृह मंत्री का रिश्तेदार है। इस बीच छात्र संगठनों ने भी आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। वहीं आरोपी के समर्थन में भी छात्र लामबंद हो रहे हैं, जबकि राज्यपाल ने भी अस्पताल का दौरा कर पीड़ित का हाल जाना। तो सवाल इंडिया का में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।